बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार किसानों को कृषि कर्ज पर लगने वाले ब्याज में राहत देगी। क्या है पूरी खबर, एक मिनट में जानें पूरी बात। बिहार सरकार की ओर से 2024-25 में एग्री लोन पर 1% ब्याज अनुदान देने के लिए कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच MOU साइन हुए हैं। बिहार सरकार ने इसके लिए 10 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत किसानों को वाणिज्यिक, ग्रामीण और सहकारी बैंकों से 3 लाख रुपए तक के लोन पर सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। फसल ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड और अल्पावधि कृषि उत्पादन कर्ज पर सरकार 1% ब्याज देगी। आपको बता दें कि इस साल 1 अप्रैल से लिए गए लोन पर सरकार सिर्फ 1% सब्सिडी देगी। इससे पहले लोन लेने वाले किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। कंपनियों और पार्टनरशिप कंपनियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का मकसद किसानों को एग्री लोन पर लगने वाले ब्याज के बोझ को कम करना है, ताकि किसान उत्साहित होकर आधुनिक खेती की ओर बढ़े। योजना को शुरू करने के लिए नाबार्ड को राज्य एजेंसी नामित किया गया है। बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को खेती के लिए कृषि कर्ज दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। एक मिनट में पूरी बात के लिए देखते रहें किसान तक।